नमस्कार, मैं हूं आपके साथ केशव नायक और आप देख रही हैं आवाज न्यूज राजस्थान। राजनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, 20 पार्षदों ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन। पूर्व मंत्री व विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के दरबार 25वीं में थामा। श्री गंगानगर के पदमपुर राजनगर पालिका के भाजपा 20 पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष की जनविरोधी नीतियों व पार्टी की रीति नीतियों के खिलाफ बगावत करते हुए बुधवार को बहुत बड़ा निर्णय लेकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर का निर्णय लिया। गुरमीत सिंह कुन्नर पूर्व सांसद शंकर पन्नू रूपी कुन्नर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता वह ग्रहण करने पर सभी पार्षदों व कार्यकर्ताओं का स्वागत आभार व्यक्त किया। जी के साथ राजनगर से हमारे सहयोगी रामस्वरूप नायक जुड़ चुके हैं, पूरी जानकारी लेने की है, जो वो कोशिश करेंगे। रामस्वरूप नायक, 20 पार्षदों ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन। पूर्व विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के दरबार 25वीं में दामन, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं बता दूं केशव, लगातार जब से नगरपालिका बोर्ड भाजपा का बना है तब से ही भाजपा पार्षद काफी पार्षद है संतुष्ट से, क्योंकि नगरपालिका बोर्ड में लगातार भ्रष्टाचार की आवाज उठ रही थी। पिछले सितंबर माह में जो आम बैठक हुई थी उसमें लगातार भाजपा के ही पार्षदों ने धरने पर बैठे थे, इसको लेकर लगातार आवाज उठ रही थी कि भाजपा छोड़कर कुछ कांग्रेस में पार्षद जा सकते हैं। एक बात और पूछना चाहता हूँ, कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने पर सभी पार्षदों में कार्यकर्ताओं का किस प्रकार से स्वागत किया गया वहाँ? गुरमीत सिंह के निवास पर 25वीं में आज पार्षदों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, जिसमें से 11 पार्षद भाजपा के बताए जा रहे हैं, 7 निर्दलीय और 2 उनके कांग्रेस के थे, जिनका कांग्रेस पार्टी का पटका डालकर गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत किया और पार्टी में और मजबूती आने की आशा जताई। बहुत बहुत धन्यवाद रामस्वरूप नायक जी के साथ राजनगर से हमारे सहयोगी रामस्वरूप नायक ने पूरी जानकारी दी। बहुत याद रहे, पिछले काफी दिनों से भ्रष्टाचार को लेकर पार्षदों ने छोड़ रखा था नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा। राजनगर से ब्यूरो चीफ रामस्वरूप नायक की खास रिपोर्ट। अरे पार्षद भाई हैं, इनके साथ ही रहे हैं, अभी हम कांग्रेस ज्वाइन की है। ये तो अगली आपकी क्या रणनीति रहेगी? रणनीति कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे, चेयरमैन बनेगा कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। वार्ड नंबर 6 से भाजपा से 85 हुआ जीतकर आया हूँ। हम सब लोगों ने लगभग 10 महीने से हमारा बोर्ड बने को हुए है, हम अपने चेयरमैन से हमारे सभी पार्षद नाराज हैं। उसका तानाशाही रवैया इतना बढ़ चुका है कि वो किसी भी पार्षद की कभी सुनवाई नहीं करता, अपनी मर्जी से उसने कोई फर्जी ट्रस्ट बना रखी है, जिसके अंदर वो नगर पालिका का पैसे से जीएसटी चलती है, नगर पालिका के कर्मचारी काम करते हैं और दिल उड़ता है उस ट्रस्ट से, और उस करोड़ों रुपये का गबन पहले भी कर चुका है और वो गबन आज भी कर रहे हैं। फर्जी ट्रस्ट में समाचार सूत्रों से पता चला है कि उसका एक्सिस बैंक में खाता है और 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है। इतना भ्रष्टाचारी, किसी भी पार्षद की कोई जनसुनवाई नहीं है, अपने वार्ड के अलावा किसी की कोई नाली नहीं बन रही, कोई सड़क नहीं बन रही। नगर पालिका में छोटा सा छोटा कोई अगर नगर का व्यक्ति को जाता है काम करवाने के लिए तो उससे मोल भाव होता है, पैसों की पहले बात होती है फिर काम की बात होती है, सब लिप्त हो चुका है। इसलिए सभी पार्षद दुखी होकर अंतरात्मा से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है ताकि राजगढ़ शहर का निष्पक्ष भाव से सभी वार्डों में विकास हो सके और भ्रष्टाचार खत्म हो सके। धन्यवाद। इस संबंध में आपने अपने जो भाजपा के वरिष्ठ नेता जिला अध्यक्ष है या सांसद है या वहाँ के विधायक, उससे आपने बात की? विधायक से हमने संपर्क करने की कोशिश की है, हमारे सभी पार्षदों ने मिलकर जिला अध्यक्ष से पार्षदों एमएलए साहब से मिलने की कोशिश की, पर एमएलए साहब धतराष्ट बनकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं। वो उस हमारे चेयरमैन के मुंह में इतने आ चुके हैं कि उनको बड़ा और बुरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जिसके कारण हम हर जगह जाकर हम निराश होकर आखिर हमने कांग्रेस का दमन थामा। मैं नीतीश बिश्नोई, पार्षद वार्ड नंबर 31 नगर पालिका क्षेत्र रायसिंह नगर। आज हम 35 में से तकरीबन 20 पार्षदों ने सर्वसहमति से इस भाजपा सरकार के तानाशाही रवैये को देखते हुए और आम जन के कल्याण के हेतु नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से हमारे माननीय विधायक साहब कुन्नर साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, और हम यही आशा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सानिध्य के अंदर राजनगर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर लोगों के कार्य सही ढंग से होंगे और भ्रष्टाचार को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्या कारण था कि आपने भाजपा को छोड़ कांग्रेस को ज्वाइन किया, उसका आधार क्या रहा, मेन आधार क्या रहा? मेन आधार है जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा अध्यक्ष है नगर पालिका का चेयरमैन, उसके भ्रष्टाचारी रवैये और तानाशाही रवैये के चलते हुए हमने आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ठीक है। आज रायसिंह नगर पालिका के 18 पार्षद
पीछे पीछे जीते हुए बीजेपी के नगर पालिका है चेयरमैन से दुखी होकर यहाँ के नेताओं से तंग आकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उनका विश्वास भी दिलाता हूँ कि आप कांग्रेस में आए हैं तो आपकी हर बात सरकार के लिए रखी जाएगी और आपकी हर संभव मेहनत करके आपके काम करवाएंगे।